एक और सेशन आर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैं पिछले तीन दिन से पढ़ा रहा हूं इस हफ्ते एक और वीक था पूरे वीक आर पढ़ाए थे लास्ट वीक आपसे डिस्कस किया था जो क्लास अब्रप्टली पॉज हो गई थी माफी फ्राइडे को वापस डिस्कस कर लूंगा मेरी सोच में है कि नेक्स्ट वीक हम लोग क्लोज टेस्ट कर लें बाकी आप जैसा कहेंगे विल डिस्कस ऑन फ्राइडे स्टार्टिंग दिस सेशन नाउ इन बातों के साथ कि शाम पांच बजे डेली यहां क्लास होती है यूट्यूब चैनल बैंक प्रो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं मेरे विद द सेम नेम इंग्लिश शर्मा मेड बाय एज वेल डेली शाम बजे क्लास है बिना कहे हम लोग आ सकते हैं और जो लोग प्लस पर हो अगर आप में से कोई भी तो प्लस पर मेरी साढ़े सात बजे शाम को डेली क्लास रहती है वहां मुझे मिल सकते हैं और अगर आप में से कोई प्लस पर आना चाहे कैन यूज माई रेफरल कोड कपिल सर लाइव के पी आई एल एस आई आर एल आई वीई

एक रनिंग कोर्स था मेरा जो कल खत्म हुआ एस बी आई क्लॉर्क की जो वैकेंसीज हैं अपकमिंग एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए प्री मेंस दोनों के लिए इसका सेकंड पार्ट आज से स्टार्ट है कुछ सेशंस वहां पर पढ़ा दिए थे कुछ यहां पर रहेंगे अपकमिंग वंस वापस स्टार्ट होंगे 9 जून के आसपास से उसके बाद ट्वेंटी ऑफ जून है मार्क कर दूंगा मैं तो जो कोई भी प्लस पर है इन सारे कोर्सेज में एनरोल करके शाम साढ़े सात बजे क्लास होती है लाइव आ सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस कुछ नोटिफिकेशंस के साथ स्टार्ट करूं कि आज लास्ट डे है अगर आप में से कोई भी बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे अन अकेडमी की तरफ से ऑफर्स हैं अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको दो महीने एक्स्ट्रा और अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको चार महीने एक्स्ट्रा अन अकेडमी की तरफ से प्रोवाइडेड है ऑफर एंडिंग टुडे तो आज लास्ट है इस चीज का और साथ ही मॉक टेस्ट की बहुत वैल्यू है स्पेसिफिकली बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए तो आपको इस वक्त एक साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे अनअकेडमी

कॉमन सेंस की कहानी है कि भाई इनके लिए कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं हो सकती रूल्स और रेगुलेशन नहीं हो सकते आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए तभी जाकर आप किसी पैसेज को ढंग से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और उसके पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं आपके हाथ है अगर आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना आसान लगता है जिससे कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो आप पहले एक बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा पैसेज में किस बारे में बात की गई है कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे ये पूछा है तो जब मैं पैसेज पढ़ूंगा मुझे इन चीजों का ध्यान रखना होगा टकराएगा तो मैं डायरेक्टली वहां पर जा सकता हूं कई लोगों को पहले पैसेज पढ़ना पसंद आता है बिकॉज वाले जो पैसेज होते हैं स्पेशली बैंक एग्जाम्स में वो डायरेक्ट की से आंसर नहीं देते उनके लिए पूरी थीम समझना बहुत जरूरी है जिसके लिए पहले आरसी पढ़ना जरूरी है आप एक स्किमिंग कर सकते हैं एक अंदाजा लगा सकते हैं आसान तौर पर उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए अपना परसेप्शन चेंज करें इंसान को जो चीजें पसंद है वो पढ़ने में तो उसे बहुत आसान लगता है मन भी लगता है जिन चीजों से हमें नफरत है वो टॉपिक हम अक्सर पढ़ना नहीं चाहते तो उनको भी प्रेफर कीजिएगा जो चीजें आपको पसंद नहीं है दैट्स हाउ आपकी हर चीज पर रिदम बनी रहेगी प्रैक्टिस बनी रहेगी बिकॉज जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमारी पसंद की चीजें आए जो हमें पसंद नहीं है वो चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है जब आप किसी पैसेज में आगे बढ़े तो चेक करते जाइए कि इसने कोई क्वेश्चन पूछा है किसी बात का आंसर दिया है कोई डेटा है स्टेटिस्टिक्स है फिगर है किसी पॉइंट को अपोज किया है सपोर्ट किया है इस तरह से तो जब आप वापस आएंगे वहां पर आपको पता होगा कौन सी चीज कहां डिस्कस की गई थी एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ठीक है आई जरा आज का आरसी स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया से आरसी के साथ हियर इज द फर्स्ट वन एट योर स्क्रीन नाउ मुझे हटना होगा मैं हट जाता हूं यश मौसम तनिषा थैंक यू बेटा वंस अगेन हर्षित गुड इवनिंग फ्रॉम माई साइड स्वीटी नॉट शॉप वैन आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट दैट बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन एंड काइंड वर्ड्स Thank you so much. Neha, good evening, dear Shivangi. Thanks a lot. <laughs> Thank you. इवनिंग Priya. Example कहा जाता है इसको मॉडल कह सकते हैं आप इंडिया इज गोइंग टू मेक द example शिफ्ट टू दिस 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 नीरज जैसे हम किताबें रखते हैं किसी शेल्फ में प्रॉपरली एक अरेंजमेंट के साथ वैसे किसी भी चीज को प्रॉपरली रख देना यूटिलाइज कर लेने को शेल्फ कहा जाता है एज अ वर्ब if it is done.

नेक्स्ट बॉन्स अ गुड इवनिंग विद अ चेंज डीपी थोड़ी विदांश गलत कहा जाएगा उसे फ्लॉ कमियां जिसमें होती हैं वो पॉलिसी ये भी नेगेटिव ही है स्वीरी चार्टिंग होती है चार्टिंग किसी भी चीज की प्रॉपर लिस्ट बनाने को कहा जाता है जैसे रेलवे में चार्ट बनते हैं और अनचार्टेड इसका मतलब कोई प्रॉपर आपका सेंस था ही नहीं उसको बनाने से पहले गुड इवनिंग अश्विनी Hmm. I've got the close look of the TP. Hmm. But this is twenty first century change to a younger one. Tisha, good evening, dear. Great. अब टेस्ला देखना पड़ेगा आपकी बात सही है बिटकॉइन तो गया <laughs> विवेक डिपो वही होता है जैसे बस का आपने डिपो सुना होगा हम श्योर उसी सेंस में आप कह सकते हैं डिक्शनरी देखकर भी वेरीफाई किया है मैंने जस्ट अभी मैंने आपसे कहा बस का जैसे डिपो होता है अ प्लेस फॉर द स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इक्विपमेंट फूड बसेस ट्रेन वे रेलवे बस स्टेशन को भी आप कह सकते हैं नीरज डिस्टॉर्टेड हम्म चीजों में जब परेशानी आ जाती है टूट जाती है खराब हो जाती है उन्हें डिस्टॉर्शन कहा जाता है जब हम फोन पर भी बात करते हैं उस वक्त अगर नॉइज ज्यादा है तो उसे डिस्टोर्शन ही कहते हैं हो गया होगा आइए जरा लास्ट पैराग्राफ देखते हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था आशा करता हूं चीजों को आपने ध्यान रखा हो मौसम आरसी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन

लोकेश मिंकू अश्मिता दीपक एंड एन अदर्स ठीक है चलिए जरूरत पड़ेगी मैं आपको स्लाइड शो कर दूंगा अगर आपको लगता है स्लाइड वन देखनी है जिस पर ये दो पैराग्राफ मेंशन है क्योंकि इतना आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में कौन सी चीज कहां मेंशन है आई प्रॉमिस मैं शो करूंगा अगर आपको स्लाइड चाहिए पर हां ध्यान रखिएगा आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए किस बात का जिक्र कहां पर था पैराग्राफ वन एंड टू फर्स्ट स्लाइड सेकेंड स्लाइड थर्ड राइड राइट मतलब हेल मतलब पुकारना होता है आप खुद जानते हैं और जिनको हम पुकार कर जिन पर राइड कर सकते हैं टैक्सी इधर आइए या रिक्शा भैया चलोगे तो उनको बुलाया था और राइड करने के पर्पज से आप इन ट्रांसपोर्ट को कह सकते हैं थैंक यू मोनू जी

फॉर द चार्जिंग मॉडल और वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं और आप भी ध्यान रखें घर से कुछ भी हम लेकर ना आए फॉर आरसी में क्लोज टेस्ट में भी पर फिर भी इंफ्रेंस इसी चीज को कहा जाता है कि दिए गए शब्दों के बाद मुझे क्या समझ में आया अगर आप ये चूज करते हैं क्या चार्जिंग मॉडल तो गाड़ी कहीं खड़ी है उसकी बैटरी चार्ज हो रही है तो वो पांच मिनट तो होने रही छोटा सा मोबाइल चार्ज होने में एक डेढ़ घंटा लग जाता है तो गाड़ी चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ट्रैफिक जो है वो ख़राब हो जाएगा इतनी लाइन लग जाएगी इन चीजों की विल हैव लेंथ क्यूज क्योंकि एक गाड़ी चार्ज होने में दो चार घंटे लगेंगे तो कितनी सारी गाड़ियां जाएंगी हाँ अगर हम बैटरी स्वैप कर देते हैं ये वाली बैटरी निकाल के रख दी दूसरी बैटरी वहां पर लगा दी तो हाँ इससे वेटिंग टाइम बचेगा स्टेशन कुड बी एट बस डिपो कहीं पर भी आप उनके स्टेशन बना सकते हैं तो यहां से समझ आया कि स्वैपिंग मॉडल बढ़िया है ना कि चार्जिंग मॉडल चार्जिंग मॉडल में तो ट्रैफिक कंजेशन होगा लाइन लगेगी स्वैपिंग मॉडल बड़ी आसानी से इन चीजों को बेहतर बना सकता है तो फर्स्ट वन सही है नीति आयोग के हिसाब से 40% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड गो इलेक्ट्रिक बाय 2030 ये तो बहुत आसान था आई होप सो फ्लैट था शुरुआत में आपको याद होगा नीति आयोग हैज देन सजेस्टेड फोर्टी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री शुड गो कम्पलीटली इलेक्ट्रिक बाय 2030 आप स्टूडेंट्स हैं एलिमिनेशन मैथ्स वाले सर भी सिखाते होंगे मैं भी सिखाता हूं इंग्लिश में हमेशा काम आता है मेरे पास आंसर है ऑल ऑफ दिर्फ फर्स्ट हो नहीं सकता बिकॉज सेकेंड भी सही है अब जब दो सही हो गए तो ए और भी तो है नहीं कहीं ऑप्शन में तो मैं क्या करूं मुझे थर्ड फोर्थ वेरीफाई ना करने के बावजूद भी मैं डायरेक्टली आंसर कर सकता हूं ऑल ऑफ दी क्योंकि ए और बी सही है सिर्फ एक सही होता तो फिर सोच रखनी पड़ती कौन सा वाला सही है जब दोनों ही सही हैं तो फिर तो सारे सही हैं बाकी आपको भी याद होगा सारे डीजल पेट्रोल व्हीकल हमें इलेक्ट्रिक बनाने हैं बहुत जल्दी यह भी था पैसेज में चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो बसेस हैं या कुछ भी बना रहे और सर ये नहीं लिखा कहीं इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल इन इजराइल सर मुझे तो याद भी नहीं इसराइल की कहीं बात की गई है लिखा है कहीं पर शायद आप देखें तो चाइना और इसराइल की बात की है मैं इधर हो जाता हूं ठीक है बट दीज मॉडल्स वर मैं दिस 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 बिसाइड द लैक ऑफ मार्केटिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड मिस मैनेजमेंट लेड टू द फेलियर ऑफ प्रोमिसिंग ईवी इन इजराइल I repeat, mismanagement led to the failure of promising electric vehicle startup in Israel. तो so, इजराइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट करना था मिसने मैनेजमेंट की वजह से वो भी फेल हो गया तो ऑब्वियसली फिर माफी आंसर शुड बी ऑल ऑफ द क्योंकि सारे सही हैं। फोर्थ भी है थर्ड भी है सारे लिखे देखिए डाउट हो पूछ सकते हैं नेक्स्ट पिया प्रैक्टिस से बन जाएगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है अश्मिता एब्सोल्युटली करेक्ट वंशिका पूजा लोकेश पायल नीरज प्रगति हिना खुशी तनिषा मोनू स्वीटी एंड नीरज थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेजॉरिटी का आंसर डी है कुछ का सी है और कुछ का ई e भी है निकेश वेदांश चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं हाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोजेक्ट कैन बिकम फिजिबल इन इंडिया भारत में यह चीज संभव कैसे हो सकती है बाय एंकरेजिंग द यूज ऑफ लेस पर्सनल व्हीकल्स कम इस्तेमाल कीजिए बढ़िया बेटा कहीं भी mention नहीं है पूरे पैसेज में कि आप कम व्हीकल्स का इस्तेमाल करें ऐसा कहीं नहीं लिखा किसी को लगे कि सर यहां पर लिखा हुआ था तो आप बोल सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा कि गाड़ियां कम इस्तेमाल कीजिएगा ये कम इस्तेमाल करें वो कम इस्तेमाल करें हाँ ऐसा जरूर है कि जितने भी व्हीकल्स हैं हमें सबको इलेक्ट्रिक करना है 2030 तक शुरुआत हम इनसे कर सकते हैं फिर यहां पहुंचेंगे फिर यहां पहुंचेंगे एटीसी ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप कम व्हीकल्स का इस्तेमाल करें किसी को लगे बोल सकते हैं विल शो यू हाँ बाकी दोनों है अडॉप्टिंग द बैटरी स्वैपिंग मॉडल टू अवॉइड ट्रैफिक इंजेशन पिछले वाले के लिए देखा था ऑब्वियसली आंसर में है बैटरी स्वैपिंग मॉडल बैटरी स्वैपिंग मॉडल हाउ एवर वुड है इट विल इम्प्रूव देशन विल नॉट वर्सन ये सब नहीं होगा तो सेकेंड मंथ तो पिछले वाले आंसर था सही बाय एम्प्लॉय लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल्स इनऑर्डर टू रिड्यूस पॉल्यूशन इमिशन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एम्प्लॉय करते हैं लगा देते हैं तो पोल्यूशन जो है इमिशन जो है वो कम हो जाएगा ऐसा कहीं लिखा है क्या थोड़ा सा लिखा हो यहां पर कि हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें हर चीज चाहे वो बस हो टैक्सी हो ऑटो हो ये सारी चीज़ों को आपको इलेक्ट्रीफाई करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2030। यही मेजर कंज्यूमर है डीजल पेट्रोल का हर चीज के लिए आई रिपीट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भारत में 2030 तक डबल हो जाएगा और यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेजर कंज्यूमर है डीजल और पेट्रोल का जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग इमिशन होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें क्या करना चाहिए प्राइमरीली देन वी मस्ट इलेक्ट्रिफाई व्हीकल्स व्हिच ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज एवरी डे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला अगर आप इलेक्ट्रिफाई कर देते हैं तो थोड़ा पोल्यूटिंग इमिशन काफी हद तक कम हो जाएगा ये भी लिखा हुआ है डाउट होगी मैं समझाऊंगा तो ये तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला है जिससे कि पोल्यूशन कम होगा स्वैपिंग मॉडल है जिससे कि आपकी लेंदी क्यूज बच जाएंगे ज्यादा भीड़ नहीं लगेगी कहीं पर भी लेस पर्सनल व्हीकल यूज करने के लिए कहीं भी एंकरेज नहीं किया है तो फर्स्ट वन हटा दो जब मैंने फर्स्ट वन हटाया तो यह भी हट गया फर्स्ट वन हटाऊंगा तो यह तो रहेगा बट सेकंड वन सही है क्योंकि लास्ट वाले का आंसर था जब सेकंड वन सही है तो यह भी हट गया सेकंड वन सही है और फर्स्ट वन गलत है आंसर ना बताइए जरा कहां लिखा है आप लिखिए कहां लिखा है स्लाइड नंबर वन टू थ्री जहां आप कहेंगे विल शो यू कहां लिखा है जरा बता दीजिएगा मूव टू द नेक्स्ट वन हम्म स्वीटी ऐसा नहीं बेटा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आपने ये जरूर कहा है इन पर्सनल ट्रांसपोर्ट टू व्हीलर्स मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड सिंस इंडिया हैज वन ऑफ दीज इसका मतलब यह नहीं कि टू व्हीलर्स को प्रायोरिटी मिलेगी हमारे लिए सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले प्रायोरिटी देगी फोर व्हीलर्स में जिसमें बस टैक्सी ऑटो जैसी चीजें आती हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा मार्केट है मेजर कंज्यूमर शब्दों को ध्यान दें पहले सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिफाई करेगी उसके बाद टू व्हीलर्स को इलेक्ट्रीफाई करेगी ये सरकार की प्रायोरिटी है हमारी नहीं मेरी और आपकी नहीं है क्योंकि पहले हम पब्लिक को करेंगे जिसकी वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है फिर सरकार पहले टू व्हीलर्स को काउंट करेगी बिकॉज भारत में टू व्हीलर ज्यादा इतने ज्यादा फोर व्हीलर नहीं होते हैं तब जाकर फिर हम कहीं यहां पर पहुंच जाएंगे होप यू अंडरस्टैंड अगर अभी भी ऑब्जेक्शन है बोल सकते हैं नेक्स्ट कोई बात नहीं वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि उसको कब सारे व्हीकल्स हम एक साथ इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फिर इंडिया में चूंकि टू व्हीलर ज्यादा है तो टू व्हीलर्स को कर देते हैं फोर व्हीलर वाले बहुत कम होते हैं लास्ट में इनको कर लेंगे ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है हमारी और आपकी नहीं वंशिका लोकेश प्रियंका हाँ एक्चुअली <laughs> मैंने जब पढ़ाया था यहां मैं चेंज करना भूल गया हूं मैंने यहां पर लोन लिख दिया था बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल कार लोन्स क्योंकि अदरवाइज तो थर्ड बकवास ही हो जाएगी सरकार आपको पर्सनल कार तो नहीं दे सकती लोन मैंने यहां इस्तेमाल किया था खुशी सी कौन कौनसी uh, सरकार आपको घर पे पर्सनल कार देने वाली है मैं भी उसी को वोट करूंगा मुझे बता दीजिएगा प्लीज सौजन्य द मीनिंग ऑफ सब्सिडी आई थिंक सो यू नो द मीनिंग ऑफ सब्सिडी फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाय द एल पीजी सिलेंडर गवर्नमेंट प्रोवाइड अस सम सब्सिडी फॉर एग्जाम्पल इट इट कॉर्ट्स

टू uh, व्हीलर्स पर यानी अगर टू व्हीलर खरीदते हैं तो उस पर इंसेंटिव मिल जाए कुछ फायदा हो जाए बैटरी लाइफ एनहेंस कर दें तो पर्सनल गाड़ियां दे दें तो उसकी जगह मैंने लोन कर दिया वो भी नहीं है बैटरीज पर सब्सिडी मिल जाए तो या फिर सारे तो पर्सनल कार और लोन की तो बात कहीं है नहीं तो सारे तो हो नहीं सकते अब मुझे याद नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करेगी टू व्हीलर पे इंसेंटिव बैटरी लाइफ बढ़ा देने का वैसे कोई जिक्र नहीं है बैटरी स्वैपिंग मॉडल का जिक्र तो है कि आप बैटरी स्वैप कर देंगे बैटरी लाइफ बढ़ाने का जिक्र नहीं है तो इन दो को वेरीफाई करते हैं इंसेंटिव देना टू व्हीलर्स पर या फिर सब्सिडी पर इंसेंटिव देने का डिस्काउंट यू कैन से ओके इन सिंपल वर्ड यू कैन से डिस्काउंट ओवर लुक दे हैव बीन सम अबाउट द प्रीवियस इन चाइना एंड यहां पर दोनों पर्सनल कार्स और इन सब चीजों को सब्सिडी देना महंगा पड़ा इसके साथ साथ लैक ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट जो बुरा रहा उसकी वजह से इसराइल में तो फेल ही हो गया अटेंशन प्लीज द सब्सिडी स्ट्रक्चर ऑल्सो बिकम डिस्टॉर्टेड इन इसराइल खराब हो गया बर्बाद हो गया फेवरिंग लार्ज बैटरीज ये भी खराब हो गया बिकम डिस्टॉर्टेड करेंटली द सब्सिडी स्ट्रक्चर फॉर अ कार ड नॉट इंसेंटिवाइज द परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार अगर आप गाड़ी खरीदते हैं इलेक्ट्रिक तो सब्सिडी स्ट्रक्चर में कार पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला कार खरीदने में ये इंसेंटिव नहीं मिलने वाले कि दस लाख की कार आपको आठ लाख की मिल जाएगी अगर आप इलेक्ट्रिक खरीदते हैं नथिंग सच क्यों बिकॉज कैपिटल कॉस्ट इज मच जो मेरी तरफ से पीछे दिख रहा होगा द कैपिटल कॉस्ट इज मच हायर क्योंकि सरकार को कैपिटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपने कार खरीदी आपको एक लाख रुपए का फायदा हो गया दुनिया में इंडिया में कितनी सारी कार्स हैं जो फर्क पड़ेगा इन चीजों का तो कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है द सेम टू बस बस जब पे हो गया कार पे पे हो गया फिर तो सब पे ही होगा बोथ मॉडल्स शुड गेट इक्वेलेंस इन सब्सिडी सपोर्ट क्या करें अ स्मॉल ग्रुप शुड इमीडिएटली स्टडी दिस इशू ये तो परेशानी का विषय है बिकॉज अगर कार पर सब्सिडी बस पर सब्सिडी मिलती है तो सरकार के लिए कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी मेरी तरफ से यहां पर हिडन होगा मैं जरा इधर आके दिखा देता हूं। लिखा है कैपिटल किलोमीटर इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर एक किलोमीटर में कितना गाड़ी चल रही है उस पर ध्यान दीजिए नॉट यहां नेगेट किया है देख लीजिएगा मैं इधर होके बता देता हूं नॉट कैपिटल कॉस्ट और लार्जर बैटरीज शुड बी इंसेंटिवाइज यानी कि कैपिटल कॉस्ट पर इंसेंटिव नहीं देने हैं कि कार खरीदने वाले हैं तो आपको इंसेंटिव मिल जाए लार्जर बैटरीज पर इंसेंटिव नहीं देने हैं देने हैं तो किस पर देने हैं इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर तो आपकी बैटरी पर इंसेंटिव हो सकते हैं गाड़ी खरीदने पर नहीं है चाहे वो कार हो चाहे बस हो बिकॉज ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट विल बी हायर फॉर द गवर्नमेंट सो द थीम दे आर विलिंग टू मैं डाउट है आप पूछ सकते हैं टू व्हीलर का इंश्योरेंस नहीं दिया है बैटरी लाइफ बढ़ाने की मना की है गाड़ियां आपको वो देने से रहे लोन देने से रहे हां सब्सिडी गाड़ियों पर नहीं उनकी बैटरी पर होगी तो लोग प्रेफर भी करेंगे खरीदेंगे भी डी इज आंसर डाउट हो पूछेगा नेक्स्ट Hello dear, welcome. ठीक है विवेक गलत हो गए ध्यान दीजिएगा पैसेज के हिसाब से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी किस तरह इंप्लीमेंट की जा सकती है थ्रू एक्सपर्ट फ्रेमवर्क जिसको हम में से किसी ने भी कंसिडर नहीं किया दिस इज करेक्ट विल शो यू बाय सिलेक्टिंग फाइव सिटीज एक वक्त पर सही है विल शो यू और बाय अलाउिंग बोथ चार्जिंग एंड स्वैपिंग मॉडल्स टू बी देर फॉर बैटरी बैकअप सही है सर uh, एक जगह तो थाना के मतलब चार्जिंग मॉडल बुरा रहेगा कंजेशन बढ़ जाएगा ट्रैफिक हो जाएगा पता नहीं आंसर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट लेट्स ले मी शो यू ठीक है शब्दों पर ध्यान दीजिए थ्रू एन एक्सपर्ट फ्रेमवर्क बाय सेलेक्टिंग फाइव सिटीज एंड अलाउविंग बोथ चार्जिंग एंड स्वेपिंग मॉडल्स ध्यान दीजिएगा वैसे तो सबसे बढ़िया ये रहेगा बाय सेलेक्टिंग फाइव स्मार्ट सिटीज विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फुली इलेक्ट्रीफाइंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाई दिस दिस इज टू तक तो पहले तो पांच सिटीज आपको इलेक्ट्रीफाई करनी है एक बार में ये बी ऑप्शन था आगे आप पांच मोर सिटीज बढ़ा देंगे नेक्स्ट बोथ चार्जिंग एंड स्वैपिंग मॉडल्स शुड बी गिवन इक्वल स्पेस इनिशियली क्यों तो पांच साल में हमें पता चल जाएगा हमारे पास इतना डेटा होगा एक्सपीरियंस होगा एग्जाम्पल्स होंगे कि आगे भविष्य में क्या करना है क्या शिफ्ट करनी है क्या ट्रांजिशन लाना है वो हमें पता होगा हो सकता है हम तो सोच रहे हैं चार्जिंग में ज्यादा टाइम लगेगा चार्जिंग बेहतर निकल आए क्या पता स्वैपिंग बेहतर निकल आए तो इनिशियली दोनों को अलाउ कर देते हैं क्या पता कोई नई चीज आ जाए इंक्लूडिंग क्या शायद मतलब दिन में हम सोलर पावर से चार्जिंग कर लें ऐसा भी हो सकता है तो बोथ दीज मॉडल्स शुड बी गिवन इक्वल स्पेस ये आपका सी हो गया और एक्सपर्ट फ्रेमवर्क बात थी एन एक्सपर्ट ग्रुप शुड ले द ग्राउंड वर्क फॉर दीज प्लान एक, एक एक्सपर्ट ग्रुप भी होना चाहिए जो इन सब चीजों की देखभाल करे इन सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में मैनेजमेंट करे क्योंकि अगर नहीं हुआ तो जैसे इजराइल में फेल हुए थे मैनेजमेंट की वजह से प्रॉपर नहीं था इसराइल में फेल हो गया था तो एटलीस्ट हम उन चीजों को गलतियों को ना दोहराए तीनों चीजें मेंशन थी एक्सपर्ट ग्रुप जी हाँ इनिशियली सिलेक्टिंग फाइव सिटीज यप एंड बोथ दीज मॉडल्स चार्जिंग एंड स्वैपिंग शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्सपर्ट फ्रेमवर्क फाइव सिटीज एट अ टाइम एंड बोथ द मॉडल्स ऑल आर करेक्ट लास्ट कोई बात नहीं नीरज गलतियों से हम सीखते हैं मिस्टेक्स आद प्रूफ दैट वी आर लर्निंग कोई बात नहीं विवेक वैसे दो बार था शुरुआत में पांच सिटी सिलेक्ट करो वहां इलेक्ट्रीफाई करो फिर पांच, फिर पांच फिर पांच फिर पांच इस तरह से यश डी दी क्यू दीपक डी दी क्यू स्वीटी डी क्यों, लोकेश डी क्यों, हक से पूछ रहा हूं कोई ऑकवर्ड मत मानिएगा अमित शॉ ए ठीक मानते हैं सौजन्य थिंकिंग ए वी आर मेकिंग मिस्टेक सौजन्य एंड शुड बी रिपीटिंग दैर अगेन चलिए यू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज ठीक है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़िया है रिमेंबर हम, हमेशा आपसे पूछा जाता है बेहतर कौन है कई बार दो तीन आंसर तीनों सही होते हैं विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन डू रिमेंबर दिस यी आर टॉकन अबाउट सम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिस इज करेक्ट चलिए लिसन तो वो तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ना यश एंड स्वीटी वही तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ला सकते हैं स्टेप स्टेप बाय पहले पांच सिटीज में पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिर टू व्हीलर्स को प्रॉपर मैनेजमेंट लिखा हो भाई तो ए सही है एवरीबडी लिसनिंग टू मी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपने अडॉप्ट करने की तो बात की है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने हैं 2030 तक इलेक्ट्रीफाई करना है पर आपने उनको मैन्युफैक्चर करने की बात पैसेज में नहीं की है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते कैसे हैं वो तो नहीं दिखाया तो बी गॉट एलिमिनेटेड इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन नहीं ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ तब था जब आपने बैटरी चार्जिंग मॉडल की बात की थी आई रिपीट ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ तब दिया था पैसेज में जब बैटरी चार्जिंग के लिए लंबी लंबी लाइन लग जाएगी बिकॉज चार्ज करने में टाइम लगेगा तो ये टाइटल नहीं है पूरे पैसेज में पॉल्यूशन और ट्रैफिक कंजेशन की बात नहीं की गई है रॉन्ग रोड मैप ये भी वही होती है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जब कोई रोड बनती है ये रोड मान लीजिएगा तो उसका हम मैप जब देखते हैं आजकल गूगल मैप से भी देखते हैं तो हमें लेफ्ट भी नजर आता है राइट right भी नजर आता है आगे भी नजर आता है पीछे भी नजर आता है ओवरऑल सारी चीजों का ध्यान रखना किसी भी प्लान का एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट सब चीजें तो ये सेम ही है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया यहां सिर्फ एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया इन in इंडिया वहां पर इन in इंडिया नहीं था चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये भी ठीक ठाक है पर परेशानियों से बेहतर वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है पांच सिटीज ले लेंगे ले तो उसमें चैलेंज थोड़ी है अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे आप में से सब लोग सही थे ए आंसर करने के लिए ए आंसर गलत नहीं है लेकिन उससे बेहतर चॉइस मेंशन है दैट इज डी हम यहां क्या भूल गए ये कैसे भूल गए कि सारी चीजें इंडिया के बारे में बात हो रही है लास्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट सडनली अनाउंस दैट इंडिया विल मेक द शिफ्ट टू फुली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाय 2030 भारत एक अच्छा एग्जाम्पल बनके दिखाएगा 2030 से पहले अपने पूरे देश को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए आई रिपीट स्टार्टिंग है इंडिया विल आगे भी लिखा है नीति आयोग हम लोग भारत के ही हैं स्विट्जरलैंड होता तो शायद मुझे नहीं पता वहां कौन सा आयोग काम करता है न्यूज पढ़ते होंगे चाहे आप एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम के होंगे आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा एंड आई होप सो नीति आयोग डिफाइंस इंडिया आगे बढ़ेंगे हर जगह आपको मिलेगा भाई ये चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है इनिशियली <coughs> हमारा जो फोकस है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे होना चाहिए कहां का स्विट्जरलैंड चाइना इजराइल नो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय टू इसीलिए ये भाई साहब को पहले तो मैं हटा दूं एक भाई साहब हैं जो मानना नहीं चाह रहे हैं सिद्धार्थ गेमिंग एरिया आपकी गेमिंग आपको मुबारक शुक्रिया खत्म टाटा बाय बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया दे आर टॉकिंग अबाउट इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2030 भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2030 तक डबल हो जाएगा तो इसीलिए हमारा इंडिया इज द मेजर कंज्यूमर डीजल एंड पेट्रोल फॉर दिस दिस हमारा मेन फोकस यहां होना चाहिए ये इंडिया की बात हो रही है एग्जाम्पल दिया चाइना और इजराइल का कि चाइना में फेल हो गया इजराइल में फेल हो गया तो हमारे यहां पर फेल ना हो इसलिए हम ऐसे ऐसे इन सब चीजों को मार्क करना चाहेंगे ओवरऑल वी आर नॉट टॉकन अबाउट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी आर ऑल्सो टॉकन अबाउट द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन इंडिया सिर्फ एक ऑप्शन में इंडिया है जिसकी वजह से डी इज द प्रिसाइज आंसर बढ़िया में 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 है है नीति आयोग इंडिया बनेगा इस चीज का ज़्यादा ये भारत के बारे बात हो रही नहीं कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे आएंगे सिर्फ एक में था बेटा बी, बी मैं बताया मैंने अभी पिछले में डायग्राम बना हुआ है वैसे ये शब्द है रोड का मैप रोड बहुत बड़ा नेटवर्क होता है पर आजकल एब्स्ट्रैक्ट सेंस में किसी भी चीज के लिए आ जाता है आजकल नहीं बहुत समय से आ रहा है हर चीज का प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन किसी भी चीज के लिए चाहे वो बिजनेस है देख के करना पड़ता है पॉलिटिक्स है देख कर करनी पड़ती है किसी भी चीज को लाना ले जाना इन सब के लिए आगे का पीछे का लेफ्ट राइट इन सब चीजों को सोचकर चलना रोड मैप कहलाता है राहुल शुक्रिया दिल से सो आज टाइम हो गया टर्निंग दिस सेशन ऑफ नाउ आज ट्वेंटी सिक्स है कई नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं पर सी यू टुमारो द सेम टाइम बाय टॉप एजुकेटर्स अक्रॉस अकेडमी प्रैक्टिस फोर्टी के आवर्स टोटल कॉन्टेंट अवेलेबल है हर घंटे लगभग बीस घंटे की क्लास होती है मैथ्स रीजनिंग जीए जीएस इंग्लिश अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा अवेलेबल अन अकेडमी स्टार्टिंग टूडे आर एज फॉर एस बी आई क्लॉर्क रन विजय सीई टी टारगेट एस बी आई पी ओ आई बी एस पीओ फाउंडेशन बच फॉर ऑल एस एस बी एग्जामिनेशन फॉर आईबीपीएस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एस बी आई क्लॉर्क One of my batches is also coming. Target SBI clerk in Tamil medium. Anybody here can join that particular one starting today, 26th of May at An Academy. Scholarship test होता है हर Sunday जिसमें आप एक करोड़ से काफी कुछ जीत सकते हैं. Can enroll. फ्राइडे को और समझा दूँगा. Using my referral code Kapil Sir Live as well.

टुडे एट अन अकेडमी प्लस बाय बाय टेक केयर बी सेफ थैंक यू आप सभी को सेफ्टी का ध्यान रखेगा शुक्रिया थैंक यू